कानपुर देहात ब्लॉक मैथा क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर श्रीवराजपुर के रहने वाले वीरेंद्र कुमार और अन्य लोगों का कहना है कि गांव में आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और ये सब सुरेंद्र सिंह चंदेल प्रधान के सामने जब लोग कहने को जाते हैं तो सुरेंद्र सिंह चंदेल प्रधान बोलता है कि हमसे कुछ मतलब नहीं है, हम कुछ काम नहीं करवाएंगे। जबकि स्वच्छ अभियान के चलते गांव वाले खुद जाकर अपनी तहरीर अथवा अपना कष्ट प्रधान को यह बताते हैं कि यहाँ मेरा सड़क पर पानी भर जाता है और यहाँ आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है और गंदगी बनी रहती है, अभी तक नाली भी नहीं बनवाई, और जबकि अन्य जगह गांव के अंदर का कार्य अच्छा करवाया है और यहाँ जात पात को लेकर कार्य को प्रधान नहीं करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़, कानपुर देहात। क्या नाम है आपको? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है सर। क्या समस्या है? समस्या ये सर, यहाँ की नाली तोड़ के हमारे दरवाजे पर गंदा पानी भरवाया गया है और ये सुरेंद्र सिंह चंदेल ने करवाया था। और ये कब से मामला ये चल रहा है, पानी का ये बह रहा है? प्रधान को सूचना नहीं दी? प्रधान को सूचना नहीं दी सारे लोगों ने? सारे लोगों ने, प्रधान ने स्वयं आके यहाँ खड़े होके गड्ढा करवा के और ये सारा पानी करवाया। हमने कहा भी कि सर ये गंदा पानी इस रास्ते में नहीं भरेगा, हम लोगों को निकलने में दिक्कत होगी, तो कहते हैं तुम इसी से घुस के निकलो, तो निकलना हो तो नहीं। कौन सा गाँव है ये? ये लालपुर शिवराजपुर है। और ब्लॉक कौन सा लगता है? मैथा ब्लॉक लगता है। ब्लॉक में सूचना सब लोगों ने नहीं दी? ब्लॉक में तरह से ऊपर तक सब एक ही लगे हुए हैं, वहाँ जाओ तो वहाँ से डांट के भगा देते हैं सर, इसलिए तो आपकी सहायता ले रहे हैं। और प्रधान जी का क्या कहते हैं? प्रधान जी कहते हैं इसी से घुस के निकलना हो तो निकलो, डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट यही कह रहे हैं मुझसे। आप पूछ रहे हो, आप इनसे पूछ लीजिए, ये बुजुर्ग हैं, इनसे पूछिए। क्या समस्या है यहाँ की? पानी भरो, हमारे निकले में दिक्कत है, उनसे कहो तो जान निकलो, जान निकले कहो। अच्छा, ये कह रहे हैं। इसके अलावा सफाई करनी आता है नहीं आता, कहाँ पे ये कार्य हो रहा है जो काम का, कहाँ कहाँ चल रहा है ये काम? तुम लोग एससी, इसलिए यहाँ पे ये किया जा रहा है, ये सीवर की वजह से ये सारी गंदगी फैलाई जा रही है। यहाँ एक दिन भी कोई सफाई कर्मी नहीं आता, सफाई कर्मी यदि आए तो ये सारी नालियाँ भरी पड़ी ना रहे, ये सारा पानी तालाब चला जाए, अगर सही तरीके से ये निकासी कराई जाती इसकी तो यहाँ कोई पानी भरा ना रहता। ये गंदगी स्वच्छता अभियान के तहत सरकार कहती है स्वच्छता अभियान की तरह की स्वच्छ रखो स्वच्छ रखो, लेकिन यहाँ स्वयं प्रधान आके गंदगी फैलवाता है, भरवाता है पानी, कहता है गंदा पानी मेरी जगह है, मैं अपनी जगह में भरवा रहा हूँ ये गंदा पानी। प्रधान जी कहते हैं ये मेरी जगह है, प्रधान जी कहते हैं ये मेरी जगह है, मैं अपनी जगह में कुछ भी करूं, पानी भरूं, गड्ढा कराऊं या सड़क बनवाऊं या ना बनवाऊं।